हेलो डियर फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के समान अध्ययन प्राचीन इतिहास की जो वीडियो सीरीज प्रारंभ किया था उस कड़ी में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज पार्ट 3 वीडियो के तहत हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य के प्राचीन राजवंशों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। आइए दोस्तों देखें, हमने पिछले वीडियो में निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला था जिसको आप ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। भारत के प्रमुख प्राचीन राजवंश और उनका छत्तीसगढ़ में प्रभाव, सातवाहन, कुषाण काल, वाकाटक और गुप्त काल, इनका छत्तीसगढ़ राज्य में या इस क्षेत्र में प्रभाव और साक्ष्य, इन पे हमने प्रकाश डाला है। आइए इस कड़ी में हम आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों, इसके पूर्व आपसे अनुरोध है कि इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर आप नियमित रूप से पाने के लिए आप हमारे चैनल को YouTube में जाकर सब्सक्राइब करें और आप अपनी समस्याओं या सुझावों को कमेंट के माध्यम से हमें साझा करें, जिससे कि हम इसको और अधिक उत्कृष्ट और प्रभावी बना सकें। आइए दोस्तों देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश। दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण खंड है और आपको काफी महत्वपूर्ण ढंग से इसकी तैयारी करना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और व्यापम की परीक्षाओं में इस खंड से हमेशा 2 से 5 प्रश्न आते हैं, अतः आपको हम इस पर एक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे राज्य में नल नाग वंश, इस वंश के राजाओं का शासन मूलतः दक्षिण में बस्तर के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में रहा। इसी कड़ी में मैकल पांडु वंश, यह हमारे राज्य के उत्तर पश्चिम में वर्तमान गौरेला, पिंडरा, मरवाही और बिलासपुर कोरबा क्षेत्र में प्रभावी रहा। राज्य ऋषि तुल्यकुल वंश या सूर वंश, इसका शासन रायपुर जिले के आरंग को केंद्र में रख के किया गया। सरवपुरिया वंश, इसे आम राय कुल वंश भी कहा जाता है और इसका काफी प्रभाव रहा हमारे राज्य में। सरपुर, मल्हार आदि इस वंश से संबंधित रहे। सिरपुर के पांडु वंश, यह प्राचीन छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश में सबसे प्रभावी राजवंश रहा। इस वंश की राजधानी मूलतः सिरपुर या श्रीपुर थी, जिसे चित्रांगतपुर भी कहा जाता था। बाण वंश, 9वीं शताब्दी में वर्तमान कोरबा जिले के पाली को केंद्र में रखकर इस वंश के राजाओं ने शासन किया और एक रोचक तथ्य यह भी है कि कलचुरी राजाओं ने इसी वंश को समाप्त करके कलचुरी सत्ता की स्थापना की। पर्वत द्वारक वंश, इस वंश के शासकों का शासन मूलतः उड़ीसा में रहा, किंतु इनका प्रभाव क्षेत्र हमारे गरियाबंद जिले का देवभोग क्षेत्र था, अतः यह भी हमारे राज्य के इतिहास में कहीं ना कहीं प्रभावी रहे। उड़ीसा के सोनपुर क्षेत्र के सोमवंश, आइए दोस्तों इस कड़ी में अब हम इन वंशों के विषय में विस्तृत जानकारी आपके समक्ष रखते हैं। देखिए, नल नाग वंश 290 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी के दौरान, इनकी राजधानी पुष्करी भोपालपट्टनम। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, नल नाग वंश मूलतः उड़ीसा के कोरापुट को राजधानी बना के शासन करता था, किंतु इस वंश के शासक स्कंदवर्मन ने अपने दूसरी राजधानी वर्तमान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम को बनाया, जिसे प्राचीन काल में पुष्करावती या पुष्करी भी कहा जाता था। दोस्तों, 5 उत्कीर्ण लेख और थोड़े से सोने के सिक्कों के आधार पर ही नलवंश की क्रमानुगतिता का अनुमान लगाया जा सकता है। इन 5 लेखों में भौदत्त वर्मन का सिद्धपुर या अमरावती शिला लेख, अर्थपति भट्टारक का केसरी वेड़ा और पंडिया पाथर अभिलेख, ये दोनों उड़ीसा में है, स्कंद वर्मन का पोड़ागढ़ शिलालेख, बिलासतुंग का राजिम शिलालेख, इस काल के मृदभांड लेख द्रुक के कुलिया से प्राप्त हुए हैं। एडंगा ओडंगा में प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं यह प्रमाणित करती हैं कि बस्तर में कोरापुट क्षेत्र के नलवंशी शासकों का शासन रहा। नलवंश वाकटक वंश का समकालीन था। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति में भी नलवंश का उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों, हम वीडियो के चार्ट के माध्यम से नलवंश के प्रमुख शासक और उनके योगदान पर प्रकाश डालते हैं। सिसुक, इसे नलवंश का संस्थापक माना जाता है। हमेशा ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न आता है, नलवंश का संस्थापक सिसुक। व्याघ्र राज, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसका उत्कीर्णन हरिशेण ने करवाया था, उसमें महाकांतार के शासक व्याघ्र राज का उल्लेख मिलता है और जिसका संबंध इतिहासकार नलवंशी शासक व्याघ्र राज से जोड़ते हैं। वृषराज, वराह राज,
प्राप्त अभिलेखों के अनुसार इस क्षेत्र में प्रथम राजा वराहराज हुआ। इसकी 29 स्वर्ण मुद्राएं बस्तर के कुंडा गांव के एड़ेंगा से प्राप्त हुई हैं। भौदत्त वर्मन नलवंश का सबसे महान और प्रतापी शासक, प्रथम प्रतापी शासक जिसने वाकटक नरेश नरेंद्र सेन की पर आक्रमण कर उसकी राजधानी नंदीवर्धनपुर वर्तमान नागपुर को तहस नहस कर दिया। इसके दो पुत्र थे अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन। भट्टारक बाद में युवराज के पद का घोतक है। अर्थपति भट्टारक इसको वाकटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय ने पराजित कर इसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया। इस युद्ध में नल शासक अर्थपति की मृत्यु हुई। स्कंद वर्मन इसने नलवंश की सत्ता की पुनः स्थापना की। दोस्तों वाकटक नरेश ने जब पुष्करी को जला के नष्ट कर दिया उसकी राख या अवशेषों में एक नए नगर पोड़ागढ़ की स्थापना स्कंद वर्मन ने की। दोस्तों यह एक रोचक तथ्य भी है, हल्बी भाषा में पोड़ा का अर्थ होता राख, राख पे या अवशेषों पे नए नगर बसाने का श्रेय स्कंद वर्मन को जाता है। इसके बाद के शासकों की प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। संभवतः नल श्री विहीन अर्थात वैभव विहीन हो गए और अपने राज्य कोरापुट को भी ये गंगों के अधीन बन गए। कालांतर में शक्ति अर्जित कर दक्षिण कोसल के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थानांतरित हो गए। स्तंभ राज दुर्ग के कुलिया से प्राप्त मृदभाण लेख में स्कंद वर्मन के बाद स्तंभराज या नंदराज का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज शिव के वीरूपाक्ष रूप का पुजारी था, राजिम शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। वीरूपाक्ष विलासतुंग का पिता था। विलासतुंग इसने राज्य में भगवान विष्णु का राजुलोचन मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर पंचायन शैली में निर्मित है। इसने पांडवों को भी एक बार पराजित किया था। राजिम शिलालेख में विलासतुंग की जानकारी हमें मिलती है। पृथ्वी व्याघ्र पल्लव नरेश नंदी वर्मन के उदयातिरम शिलालेख में इस नल नागवंशी राजा का उल्लेख मिलता है। भीमसेन शैव मत का अनुयायी था। इसने गंजाम कोरापुर क्षेत्र में एक ताम्रपत्र प्रसारित किया था। इसके पश्चात प्रतापी नलवंशी राजाओं की कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। अंतिम नल शासक नरेंद्र धवल हुए। आइए दोस्तों छत्तीसगढ़ के क्षत्रिय राजवंश के क्रम में हम दूसरे राजवंश मैकल के पांडुवंश पांचवी शताब्दी से प्रकाश डालते हैं। दोस्तों मैकल अर्थात मैकल पर्वत से लगा हुआ अमरकंटक आदि का क्षेत्र, इस क्षेत्र इनकी राजधानी आम्रकूट या अमरकंटक थी। मैकल के पांडुवंशी शासक भरत बल के बमनी ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि अमरकंटक क्षेत्र में पांडुवंशियों की एक शाखा राज्य करती थी जिसका प्रथम शासक जयवल था। इस शाखा का दक्षिण कोसल के पांडुवंश से प्राचीन क्या संबंध था, इस संबंध में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। कलचुरियों से प्रथम संघर्ष इसी वंश का हुआ था। इस वंश के प्रमुख शासक के विषय में संक्षिप्त में जानकारी, जयबल इस वंश का प्रथम शासक, वत्सबल जयबल का पुत्र पत्नी द्रोण भट्टारी का, नागबल वत्सबल का पुत्र जिसने महाराज की उपाधि धारण की पत्नी इंद्र भट्टारी का, भरत बल या इंद्रबल इंद्र के समान बली होने के कारण इसे इंद्रबल भी कहते थे, इसकी पत्नी लोक प्रकाशा दक्षिण कोसल के आमराय कुलीन नरेंद्र सरबोजिया वंश के नरेंद्र की बहन थी। सूरबल मल्हार से प्राप्त ताम्रपत्र में इसका उल्लेख मिलता है, यह भरत बल का पुत्र था। आइए दोस्तों क्षत्रिय राजवंशों की कड़ी में हम तीसरे राजवंश राज्य ऋषि तुल्य कुल वंश या सूरवंश में प्रकाश डालते हैं। इनकी राजधानी रायपुर जिले का आरंग था। दक्षिण कोसल क्षेत्र में इस वंश के राज्य करने के विषय में जानकारी मिलती है। इस वंश के महान शासक भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलती है जिसकी लिपि गुप्त संवत 182 से 282 ईस्वी है। इसलिए इस वंश के उदय का समय सन चौथी या पांचवी शताब्दी माना जाता है। गुप्त संवत के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि इस वंश के शासक गुप्त सत्ता के अधीन थे। आरंग ताम्रपत्र में इस वंश के 6 राजाओं का क्रमशः उल्लेख मिलता है जिनमें सूर दायित्व वर्मा प्रथम, विभीषण भीमसेन प्रथम, दायित्व वर्मा द्वितीय और भीमसेन द्वितीय ने शासन किया था। भारतीय इतिहास में राज्य ऋषि तुलकुल वंश का अत्यंत उल्लेख तो नहीं मिलता किंतु छेदी नरेश खारवेल का संबंध इस वंश से था ऐसी जानकारी मिलती है। दोस्तों एक बात आप जरूर ध्यान दें, राज्य ऋषि तुलकुल वंश के विषय में जो महत्वपूर्ण पक्ष, प्रथम इनकी राजधानी आरंग, द्वितीय इस वंश का महान शासक भीमसेन द्वितीय,
आइए सरपुरिया वंश या आमराय कुल, इनकी राजधानी सरपुर कुछ इतिहासकारों के अनुसार आधुनिक सारंगढ़ संबलपुर या श्रीपुर थी। सिरपुर नामकरण, इस वंश का आदि संस्थापक सरबराज था, उसके नाम से इसका नाम सरपुरिया वंश पड़ा। क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मल्हार, सारंगढ़, रायगढ़, संबलपुर, सिरपुर क्षेत्र में इनका शासन था। वस्तुतः इस वंश का नाम आमराय कुल था। सरपुरिया के राज चिन्ह था में राज गजलक्ष्मी का अंकन था। भानुगुप्त के एरन स्तंभ लेख में सर्वराज का उल्लेख है, जो संभवतः सरपुरिया वंश का संस्थापक था। छत्तीसगढ़ में स्थापत्य कला का प्रारंभ अर्थात मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ सरपुरिया शासकों के समय 5वीं शताब्दी से माना जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी का मंदिर, तालागांव में रुद्रशिव की विलक्षण प्रतिमा आदि इसी वंश से संबंधित है। आइए इस वंश के प्रमुख शासक और उनके विषय में संक्षेप में जानकारी। सरबराज इस वंश का संस्थापक, भानुगुप्त के एरन स्तंभ लेख में इसका उल्लेख है। नरेंद्र के कुरुदपट्ट और पिपरदुला के दानपत्र में भी सरबराज का उल्लेख हमें मिलता है। नरेंद्र सरबराज का उत्तराधिकारी, इसके नाम से कुरुद व पिपरुदुला ताम्रपत्र में मिलता है। बहन लोकप्रिया काशा का विवाह भरतबल मैकल पंडुवंशी शासक से हुआ था। प्रसन्न मात्र सरपुरिया वंश का सबसे महानतम शासक, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, इसने अपने नाम से निडिला नदी, वर्तमान लीलागर नदी के किनारे प्रसन्नपुर नगर बसाया था। कुछ इतिहासकार मल्हार को ही प्रसन्नपुर कहते हैं। इसी वंश इसने सोर्ण नदी आधारित सिक्के जारी करवाए। एक क्वेश्चन आ चुका है, स्वर्ण नदी अंकित सिक्कों को किस वंश के राजाओं ने जारी करवाए, तो सरपुरिया वंश। इसके प्रसन्न मात्र के सिक्कों में गरुण, शंख और चक्र अंकित है, जिसका तात्पर्य है कि इस वंश के शासक वैष्णव मत के अनुयायी थे। प्रवर राज दुर्ग राज मान मात्र का उत्तराधिकारी, सिरपुर को राजधानी बनाने का श्रेय इसे जाता है। प्रवर राज सुदेव राज, इसके शासनकाल में पांडुवंशी इंद्रबल राज सामंत था, उसका वर्णन कौआताल अभिलेख महासमुंद से प्राप्त होता है। प्रवर राज दिति सुदेव राज के पश्चात उसका अनुज प्रवर राज दिति राज्य का उत्तराधिकारी बना। यह सरबवंश का अंतिम शासक था। सिरपुर के पांडुवंश 6वीं से 7वीं शताब्दी, राजधानी सिरपुर, श्री अर्थात लक्ष्मी का नगर, समृद्धि का नगर, जिसे वर्तमान में सिरपुर कहते हैं। पांडुवंश की दो शाखाएं थी। मैकल श्रेणी में इस राजवंश को मैकल पांडुवंश कहा गया। दक्षिण कोसल में इस राजवंश को सोमवंश कहा गया, परंतु पर्वती सोमवंशियों से भिन्नता प्रकट करने के लिए इनका उल्लेख पांडुवंश के रूप में किया गया। आइए क्रम में देखते हैं। उदयन इस वंश का आदि पुरुष, इंद्रबल इस वंश का संस्थापक, नन्नराज प्रथम इंद्रबल का उत्तराधिकारी, सूरबल ताम्रपत्र मल्हार ताम्रपत्र में इसका उल्लेख मिलता है, ईशानदेव खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माता, भौदेव रणकेश्री भाणक शिलालेख में इसका उल्लेख है, महाशिव तीवर देव सिरपुर में इससे संबंधित बौद्ध स्तूपों का प्रमाण मिलता है, चंद्रगुप्त इस कड़ी में, हम अगर देखें हर्षगुप्त चंद्रगुप्त का पुत्र था, इसका उल्लेख हमें सिरपुर शिलालेख से मिलता है, सिरपुर प्रशस्ति से मिलता है। हर्षगुप्त की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी वासाटा ने उसके सम्मान में सिरपुर का सुप्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर बनवाया था। हर्षगुप्त का पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन हुआ। इसके शासनकाल को प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका एक अन्य पुत्र रणकेसरी हुआ। आइए शासक और घटनाएं। उदयन इस वंश का आदि पुरुष, इसका उल्लेख कालिंजर शिलालेख में मिलता है। इंद्रबल उदयन का पुत्र, यह सरपुरिया वंश के शासक सुदेव राज का सामंत था। इसने सुदेव राज के अनुज प्रवर राज दिति को मारकर पांडुवंश की स्थापना की। नन्नराज प्रथम मल्हार से प्राप्त एक ताम्रपत्र में भरत बल के पुत्र सूरबल का उल्लेख मिलता है। खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के शिलालेख में इंद्रबल के तीसरे पुत्र ईशानदेव का उल्लेख मिलता है। महाशिव तीवर देव
इसका काल पांडुवंशी सत्ता का उत्कर्ष काल था। इसने कोसल तथा उत्कल मंडलों को जीतकर सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है। प्राचीन छत्तीसगढ़ में सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करने वाला एकलौता शासक महाशिव तीवरदेव। इसके तीन ताम्रपत्र हमें राजिम और बालोदास से प्राप्त होते हैं। नन्नराज द्वितीय महाशिव तीवरदेव का उत्तराधिकारी अड़भार ताम्रपत्र में इसका उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त इसका उल्लेख वासाटा के सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर शिलालेख से मिलता है। हर्षगुप्त चंद्रगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन एवं रणकेसरी। विवाह हर्षगुप्त का विवाह मगध के मोखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वासाटा देवी से हुआ था। महाशिवगुप्त बालार्जुन इनका शासन काल 595 से 655 ईस्वी लगभग 60 वर्ष रहा। इनकी राजधानी सिरपुर थी। इसके शासनकाल को दक्षिण कोसल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। हर्षगुप्त की स्मृति में महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता वासाटा ने पकी हुई ईंटों से सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। यह लाल ईंटों से निर्मित है जिसे पूर्ण महाशिवगुप्त बालार्जुन ने करवाया था। महाशिवगुप्त बालार्जुन सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर उत्तरगुप्त वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। उसी के समय उसी अर्थात महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में 639 ईस्वी में चीनी यात्री भेनसांग छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत सी यू की में लिखा, दक्षिण कोसल की राजधानी सिरपुर बहुत संपन्न थी। यहाँ का राजा क्षत्रिय था तथा बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखता था। राज्य में 100 से ज्यादा संघाराम थे जहां 10,000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। भेनसांग ने अपनी रचना सीयूकी में इस क्षेत्र को अर्थात छत्तीसगढ़ के भूभाग को किया से लो नामक नाम से चीनी भाषा में उल्लेख किया है। महाशिवगुप्त बालार्जुन की मुद्रा में राजमुद्रा में नंदी का चित्र बना हुआ था। ये परम महेश्वर की उपाधि धारण किया था। यह शैव धर्मावलंबी था। इसकी राजधानी में शैव वैष्णव बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित अनेक स्मारक और कृतियों का निर्माण हुआ। इससे पता चलता है ये अन्य धर्मों के प्रति उदार और सहिष्णु था। सिरपुर इस समय बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। इस काल की धातु प्रतिमाएं कला की दृष्टि से अद्वितीय कही जा सकती हैं। महाशिवगुप्त कन्नौज के पुष्पभीति वंश हर्ष का समकालीन था। महाशिवगुप्त बालार्जुन का उल्लेख पुलकेशन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति में भी मिलता है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के 9 छलों से लगे हुए 27 ताम्रपत्र सिरपुर से प्राप्त हुए, जिनका सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय ठाकुर विष्णु सिंह व रविंद्रनाथ मिश्र को जाता है। महाशिवगुप्त के शासन के बाद इस वंश का पतन प्रारंभ हो गया। आइए दोस्तों, बाण वंश 9वीं शताब्दी, वर्तमान कोरबा जिले की पाली को राजधानी बनाकर इस वंश के शासकों ने शासन किया। इस वंश का संस्थापक महामंडलेश्वर मल्लदेव पाली अभिलेख के अनुसार है। विक्रमादित्य प्रथम इस वंश का प्रथम शासक प्रसिद्ध शासक था। इसका साम्राज्य उत्तरी छत्तीसगढ़ में था। इसकी राजधानी पाली थी। इसने जयमेव के नामक से उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य प्रथम ने पाली के सुप्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यह हमें पाली शिव मंदिर अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण कोसल के सोमवंशी शासकों को बिलासपुर क्षेत्र में किसने हटाया? बाणवंशी शासकों ने हटाया था। त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगण मुग्ध तुंग द्वारा बाणवंश के शासक विक्रमादित्य द्वितीय को पराजित कर इस भूभाग को कलचुरी प्रभाव में लाने का ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, पर्वत द्वारक वंश। इस वंश का शासन मूलतः उड़ीसा के संबलपुर खरिया रोड क्षेत्र में था। इसके अधिकार क्षेत्र में गरियाबंद का देवभोग क्षेत्र एवं उड़ीसा के कालाहांडी के आसपास का क्षेत्र शामिल था। ये मूलतः कालाहांडी के परथला से संबंधित थे और देवी स्तमेश्वरी के उपासक थे। इस वंश के वास्तविक संस्थापक का पता तो नहीं चलता। सिर्फ दो राजाओं के विषय में सुमन्यराज और तुष्टिकर की जानकारी हमें तेरा सिंघा ताम्रपत्र से मिलती है। सुमन्यराज ने अपनी माता कौस्तुम्बरी देवी को स्वस्थ होने के लिए देवभोग ग्राम दान में दिए थे। यह जानकारी हमें तेरा सिंघा अभिलेखों से मिलती है। दोस्तों, पर्वत द्वारक वंश, राजधानी परथला, इनकी जानकारी तेरा सिंघा अभिलेख, इससे हमें पता चलता है छत्तीसगढ़ के देवभोग क्षेत्र का। उड़ीसा के सोनपुर क्षेत्र के सोमवंश 10वीं शताब्दी,
नल बाण कलचुरियों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के कारण सिरपुर के पांडुवंशी शासकों को पूर्व की ओर जाना पड़ा तथा उन्होंने उड़ीसा के सोनपुर क्षेत्र में सोमवंश के नाम से अपने राज्य की स्थापना की। सोमवंश के आदि पुरुष या प्रथम राजा का नाम शिवगुप्त था। फिर भी यह ज्ञात नहीं हो सका कि इसके पूर्ववर्ती पांडुवंशों से कोई संबंध था अथवा नहीं। ये अपने आप को पांडुकुल का बताते भी नहीं है। इस वंश के राजाओं की उपाधि त्रिकलिंगाधिपति थी। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि किस राजवंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की नियमित उपाधि धारण की? उड़ीसा के सोनपुर के सोमवंशी राजाओं ने। अर्थात इन्होंने कोसल कलिंग व उत्कल क्षेत्र को जीता था, इसलिए त्रिकलिंगाधिपति कहलाते थे। इनकी राजमुद्राओं पर पांडुवासियों के विपरीत कुंत सरोवरपुरियों के समान गजलक्ष्मी की प्रतिमा पाई गई। इस वंश के राजाओं के दो ही नाम चलते हैं, अर्थात महाशिवगुप्त और महाभवगुप्त। उद्योत केसरी के भव्य शासन के पश्चात सोमवंशी राजवंश का पतन हो गया, क्योंकि उस समय तक त्रिपुरी के कलचुरी वंश की एक लहुरी शाखा छत्तीसगढ़ में स्थापित हो चुकी थी और जिनकी राजधानी तुम्बाड़ थी। इस वंश के शासकों में शिवगुप्त इस वंश का प्रथम राजा, महाभवगुप्त इसने कौशलेंद्र और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, उसमें तीनों जगह शासन किया। इसने स्वर्ण मुरसीमा आराम को राजधानी बनाया। महाशिवगुप्त प्रथम, इसके दान पत्रों में दक्षिण कोसल के ग्रामों को दान करने का उल्लेख है। महाभवगुप्त इस वंश का अंतिम शासक। दोस्तों हमने आपको बहुत सी जानकारी छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंशों के विषय में दिया और आपको इन तथ्यों को दिमाग में रखना है, जिसके आधार पर आप मुख्य परीक्षा के नोट्स बना सके और प्राइमरी परीक्षाओं के लिए आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कर सके। हमें ऐसा विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है आपको तो जरूर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। दोस्तों फड़ी अगले इस सीरीज में रुद्रा इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास कालखंड में पार्ट 4 के तहत फड़ी नागवंश और छिंदक नागवंश आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।